ये सब पूरा बेचने वाले हैं। ये सब पूरा पैकिंग होने का, ये खाली पाइल का है, अभी हम लोग का तीनों जन का बाकी है। तो जो जिधर जा रहा है उसके लिए पैकिंग चालू हो गया। संडे को सुबह हम लोग को ट्रेन है, अभी तो आज फ्राइडे हो गया रात, तो कल का दिन ही एक दिन बाकी है। तो इसके लिए पूरा आज ही बोलेगा तो जितना होता है सो होता है, उतना पैकिंग करने का है। तो देखता है कितना लेने का कितना, ये तो खाली पाइल का हो रहा है, अभी हम लोग का तीन जन का बाकी है। तो पैकिंग शुरू, पापा घर बहुत से बाहर एक्साइटेड निकालने में, वाले हम बहुत लोग एक्साइटेड में, एकदम जाने के लिए, घूमने को। किधर जा रहे हैं वो बाद में बताऊंगी, उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। और आज आज से ही हम लोग का पैकिंग चालू हो गया। तो चलो देखते रहने का एक एक करके, जो क्या लेने का क्या नहीं लेने का, क्या पैक करे नहीं कर रहे, वो आप लोग को सब वीडियो में शेयर करूंगी। तो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेल फैमिली। मैं हूँ रूमा। आज सैटरडे, अभी 3 बज गया, अभी से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं किया। और कल तो हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अभी मैं बोलूंगी, जो किधर जा रहा है, इतना दिन बोली नहीं कि किधर जाने का है। तो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हो रहा है, अपना बोलेगा तो अपना गांव जा रही है, अपना शहर में जा रही है, तो बहुत खुश लगता है। इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं गांव कलकत्ता, तो कलकत्ता में जा रही है अभी। कल 7, 7:30, 8 बजे तक निकलूंगी, क्योंकि 11 बजे का बाद ट्रेन है, 11:20 का ऐसा कुछ ट्रेन है। तो इसके लिए 7:30 बजे के बाद ही निकलने का है। अभी तक पैकिंग कुछ हुआ नहीं, पैकिंग करने का है। और हमारे हाँसी मैंने मेरा हाँसी देख के ऐसा आप लोग सोचेंगे जो कितना खुश हो सकता है, अपना गांव जाएगा तो बहुत खुश लगता है। और 1 साल हो गया, 1 साल का बाद जा रही हूँ अगले बोलेगा तो, गया जनवरी में गई थी हम लोग का गांव में, मेरा खुद का घर में ससुराल में पूजा रहता है, काली माता का पूजा है, तो पूजा में ही जाने का। क्योंकि गया साल का वीडियो में आप लोग को सब पूरा दिखाई, कैसा पूजा होता है नहीं होता है, जो मेरा वीडियो देखता है उन लोग को सब पता है, देखा है शायद, जो नहीं देखा तो पिछले वीडियो में देख लेने का। और अभी तो मैं फिर से आप लोगों को साथ शेयर करूंगी काली माता का पूजा का सब। और बहुत बहुत खुशी हो रही है जब मेरा गांव जाके मम्मी को देखेगा, सबको मिलने का एक मजा बहुत अलग ही होता है। तो अभी मेरा कुछ भी पैकिंग नहीं हुआ, कल सुबह निकलना है, अभी तक कुछ पैकिंग नहीं किया, अभी मेरा सब पैकिंग चालू होएगा, मैं चालू करेगी अभी, क्योंकि कोई नहीं है घर में। मेरा लड़का क्लासेस गया, हस्बैंड काम पे गया ऑफिस में, और मेरा लड़की भी क्लासेस चली गई, अभी मैं अकेली हूँ। मेरा लड़की का तो कल रात को थोड़ा बहुत ऐसा पैकिंग करके दिया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा लड़का का भी नहीं हुआ, हस्बैंड का तो हुआ ही नहीं, हस्बैंड का हस्बैंड ही में हस्बैंड वही खुद ही पैकिंग कर लेगा, लेकिन हमारा जो सब कुछ लेना है मेरे को ही पैकिंग करना पड़ेगा, लड़की का लड़का का सब मेरे को ही करके देना पड़ेगा, ऐसा है। तो चलिए अभी मैं शुरू करती हूँ, नहीं तो और भी लेट हो जाएगा, 3 बज गया। अभी मैं जस्ट खाना खाई, खाना खा के उठ के पहला वीडियो स्टार्ट किया, और मेरा लड़की का जो पैकिंग हो गया वो आप लोग को थोड़ा कल तो वीडियो में थोड़ा दिखाई। ये देखिए, ये जो छोटा वाला बैग है उसका पूरा कपड़ा पैक हो गया, अभी भी ये जो बैग में है ये मेरा बैग में भरेगी, इसमें जगह नहीं हुआ। ये इधर का जो मैं सब पहन के जाएगा इसके लिए वो रख दिया, अभी पूरा रूम पूरा फसेरा पड़ा है, पूरा रूम इधर उधर है, अभी मेरा सब चीज कपट से निकल के भरना है। और ये देखो मेरा कपट, मेरा साड़ी का कलेक्शन देख लो, ऐसा साड़ी का कलेक्शन, तो देखते हैं क्या लेने का। और ये जो ब्लैक कलर का पेटी है मैं इसमें भरने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा बात करते करते। बहुत है, बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि कल मम्मी का उधर जाना है, पूजा में बहुत बोलेगा तो बहुत एंजॉय होता है, अच्छा भी लगता है, खुद का पूजा है ऐसा, सब काम करने का, भगवान को लेके आने का, ये सब बहुत है। और एक एक करके वीडियो आपको, आप लोगों के पास आएगा, एक भी मिस नहीं
करने का, सब वीडियो पूरा का पूरा देखने का। तो चलिए अभी मैं पैक करती हूँ। ये देखिए ये जो बेनारसी है ये मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि शादी है, खाली पूजा नहीं है शादी भी है, इसके लिए ये भी लेके जाना है। तो क्या क्या ले रहा है आप लोग को दिखाऊंगी मैं बाद में। पहला साड़ी पहले निकल के लेती हूँ। ये देखिए वो शादी में पहनना है, ये हल्दी में पहनना है, देखिए ये हल्दी का है। ये जो साड़ी है ये काली माता का पूजा में पहनने का है। और ये जो साड़ी है ये मेरा लड़की शादी में पहनेगी, शादी में पहनना है। और ये जो व्हाइट वाला दो साड़ी है ये भी शादी इसमें पूजा में पहनना है, घर का पूजा है तो दो चार साड़ी तो चाहिए ही। एक काम करती हूँ, पूरा एकदम पेटी में ही भर लेती हूँ, अलग अलग करके रखने से अच्छा डायरेक्ट पेटी में ही डालती हूँ। चलिए एक टॉवल करके ले लूं, क्योंकि इस पे गंदा है ना, इसके लिए इतना बड़ा पेटी वहां से लेके जाने का है। दो चार फंक्शन है तो थोड़ा ऐसा इतना बड़ा चाहिए रहता है ना। मैं इस बार भी फर्स्ट टाइम बैक पैकिंग कर रही हूँ पेटी में, नहीं तो मेरा हस्बैंड करता है। इतना सालों से मैं गांव जा रही हूँ, अभी फर्स्ट टाइम मैं पैक कर रही हूँ, तो मेरा हस्बैंड ही पैक करके देता है। तो चलिए मैं भरने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। जब तक घर से नहीं निकल रही हूँ तब तक पैकिंग चालू ही रहेगा, खत्म नहीं होता है। और अभी मैं लगाऊंगी ये जो पैक है, ये पैक लगाने का है, थोड़ा ठंडी भी है, स्किन केयर करना जरूरी है इसके लिए। तो अभी थोड़ा मैं पैक लगा के 15 मिनट तक रखूंगी, बाद में धोने के बाद फिर से जो बाकी है पैक करने का तो कर लेगी। तब तक मेरा लड़का भी आ जाएगा, उसका भी क्या लेना है नहीं है उसको भी थोड़ा पूछना चाहिए। इसके लिए मेरा तो भर के हो गया पायल का, और मेरा ऑलमोस्ट हो गया, अभी मेरा लड़का का बाकी है। तो अभी मैं क्या करूँ दोपहर को, तो सोचा ये पैक लगा के थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसका स्मेल भी इतना अच्छा है ना, पूछो ही मत। ये ठंडी में ना थोड़ा ऐसा स्किन ये टैन पड़ जाता है, बाद में वो रिंकल्स आता है। ये पैक लगाने के बाद ना स्किन भी एकदम स्मूथ हो जाता है, एकदम रिलैक्स फील आता है पूरा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी 8:30 बज गया। अभी देखो कल के लिए तैयारी कर रहे हैं।
और ऑलरेडी थोड़ा सा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट थोड़ा बाकी है, अभी भी पायल आई नहीं। मेरा हस्बैंड आ गया चाय नाश्ता करके, अभी मैं आटा गूंद के रखी, रात के लिए चपाती बनाने का है, अभी का जो चपाती बनाने का है इसके लिए आटा गूंद के रखी, और कल का सुबह का तैयारी करके रखी, क्योंकि सुबह सुबह 3 बजे उठ के खाना बनाना है। ये बटना छील के रखी इधर, और मशरूम है, और इधर शिमला मिर्ची है, तो देखते हैं कल क्या बनाने का है। और पनीर ला के रखा है इधर, ये देखो पनीर भी लाया है, तो कुछ ना कुछ बना के देखे जाना है। इसके लिए दो तीन टाइम का खाना बनाने का है, कि ट्रेन का खाना तो अच्छा नहीं लगता, ट्रेन का खाना अच्छा नहीं लगता है, जो बनाने का है घर से बना के लेके जाऊंगी, और उधर खाने का ऐसा। तो पाव भी लाया बहुत सारा, ये देखो इतना सारा लेके जाने के लिए बंगाली का दुकान का पाव, ये बहुत अच्छा लगता है खाने को, एकदम मीठा मीठा, चाय का साथ बोलो ऐसा बटर का साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी लेके जाने का है, कुरमुरा लेके जाने का है, और क्या क्या लेके जाने का है कल सुबह आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, क्या खाना बना के लेके जा रही है ट्रेन के लिए, क्योंकि 2 दिन का जर्नी है ट्रेन में। कल सुबह 7:30 बजे 8 बजे इधर से निकलेगी, तो दोपहर का खाना, रात का खाना, बाद में दूसरा दिन मंडे को सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, और 7:30 बजे उतरने का टाइमिंग है। अभी बोल नहीं सकते है, अगर लेट होएगा तो 2-3 घंटा, तो फिर और भी लेट हो जाएगा घर पे जाने के लिए, क्या मालूम मंडे को घर पहुंच पाएगी, क्या मंगलवार को सुबह जाएगी, वो भी पता नहीं है। जैसा जैसा है वैसा वैसा आप लोग का साथ शेयर करूंगी वीडियो में। तो चलिए अभी का चपाती बना लेते हैं, दोपहर का सब बना हुआ है, अब भाजी सब्जी सब बना के रखी है, अभी खाली चपाती बनाने का है, रात को जल्दी जल्दी खा के सोने का है, फिर सुबह 3 बजे उठ के पूरा खाना रेडी करना है बना के। इधर आटा का पैकेट ला के रखी, परोठा चपाती सब बनाने का है, चावल भी थोड़ा बना के लेगी ऐसा सोची, अभी सुबह की कितना बना पाएगी कि वो पता नहीं है, कितना बनाने को होएगा क्या नहीं इतना जल्दी जल्दी, फिर अपने को पूरा तैयारी भी होने का है, ऐसा सब कुछ है। तो सुबह ट्रेन होता है ना बहुत ऐसा घाई घाई होता है, और बहुत ये भी है अच्छा भी नहीं लगता है सुबह सुबह। अभी हम लोग शाम को निकलते हैं तो 5 बजे 5:30 बजे निकलता है, तो पूरा अच्छा से दोपहर का खाना पीना खा के बनाने का सब रेडी करके लेके जाती हूँ, वो अच्छा पड़ता है, लेकिन ये सुबह का ट्रेन का ना बहुत भारी पड़ता है। एक तो रात को सोने का, फिर सुबह उठ के इतना सारा खाना बनाने का, फिर थोड़ा पूरा साफ सफाई करके रख के धोके भी के सब जाने का, एक प्रॉब्लम है ऐसा। तो कल के लिए थोड़ा सा तैयारी करके रखी, मसाला भी रेडी है, खाली फटाफट बनाने का बस ऐसा है, देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले चपाती बना के लेती हूँ। अभी 11 बज गए, हम लोग को खाना खा के हो गया, अभी सब कुछ कितना लगेज हुआ वो दिखा रही हूँ, अभी भी थोड़ा भरने का बाकी है, सब चीज अभी भी भरने का है डालने का बैग में। आ 3 हो गया इधर, 3 और इधर 2, इधर ये देखो अभी भी 2 इधर है जो दिखाया कल का, ये इधर 2 है, ये सब भरने का है। और मेरा देखो किचन क्लीन करके बर्तन घस के हो गया, पायल किया स्किन केयर। तो चलिए इतना लगेज हो गया, फिर कल सुबह दिखाऊंगी और क्या है नहीं है, और एक्स्ट्रा बैग कितना हुआ नहीं हुआ। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर कल एक नया वीडियो के साथ आप लोग को मिलते हैं, और जर्निंग का वीडियो है। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। बहुत बहुत खुश हो गई, अभी खाना खा के पेट पूरा फुल हो गया, अभी सोने का है, 3 बजे उठ के मैं बाद में फिर वीडियो स्टार्ट करूंगी। टाटा।